जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये न्यूज में खबर चली है कि आज हम रेजिडेंट साथियों ने हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी है, ये ऐसा नहीं है। अभी हमारी हुई जीपीएम में यहाँ पे मौजूद समस्त रेजिडेंट लोगों ने ये बोला है कि ये स्ट्राइक कोई कॉल ऑफ नहीं है। सरकार के ने जो भी ये डॉक्टरों के अहित में जो बिल पेश किया है, इसका हम अभी भी पुरजोर विरोध करते हैं और ये अभी भी स्ट्राइक एज इट इज कंटिन्यू है। पूरे राजस्थान से के आरडीए हमारे साथ है और हम सभी को बोलते हैं, हर एक रेजिडेंट साथियों को, कि ये स्ट्राइक अभी भी पूरी तरीके से वैसे ही चालू है, क्योंकि हमारी कोई मांगे मानी नहीं गई है। जो अभी वर्तमान जाट पदाधिकारी है, उनसे हम 25 घंटों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जो भी डिसीजन हुआ है बिना रेजिडेंट से पूछे, बिना जीपीएम करे लिया गया है, जो कि किसी भी स्तर पे मान्य नहीं है। तो हमारी आपसे आशा है कि और साथ में जो जाट पदाधिकारी है उनकी कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं कि वो जहाँ पे भी वो स्वस्थ हो, क्योंकि किस प्रेशर में उनसे ये डिसीजन लिया गया है, किस परिस्थितियों में लिया गया है, ये हमें नहीं पता। तो कृपया वो सामने भेजा जाए उनको, वो समक्ष जीबीएम में सब साथ में आएंगे और जीबीएम ही फैसला लेती है कि आगे क्या करना है और उसके बाद ही आगे का जो भी हो। तो हमारे पदाधिकारियों को यहाँ भेजा जाए, हमारा सरकार से